कौन सी जगह है रे? आ जाओ बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये आवाज काहे की है? ये क्या कर रहे हो, पेशाब कर रहे हो तुम? तो क्या हम लोग इधर पेशाब करने को नहीं बैठे? अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में अजीब गरीब ख्याल आया है कि जब आप ज्यादा समय तक पेशाब रोकते हैं तो क्या होता है, या फिर सुबह उठते ही हमें इतनी तेज पेशाब क्यों लगती है, और कैसे पेशाब जैसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी पर असर करती है? अगर आपको ये सब नहीं पता तो बिल्कुल मत घबराएं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ इन सारे सवालों के जवाब के साथ साथ एक ऐसी टिप भी शेयर करेंगे जिसे जानने के बाद आपके बीमार पड़ने के चांसेस केवल 1% रह जाएंगे। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि जिस तरह जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी तरह जीने के लिए पेशाब और बाकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी जरूरी हैं। पेशाब करना इतना ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि पेशाब के रास्ते हमारी बॉडी में मौजूद जितने भी घातक तत्व हैं वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार हम अनजाने में ही सही लेकिन ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमें बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आप रेगुलरली ठीक तरह से पेशाब करते हैं और आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है तो यहाँ रुक जाएं। क्योंकि भले आप रेगुलरली पेशाब करते हैं लेकिन हो सकता है आप ना चाहते हुए भी ऐसी गलतियां कर जाते हो जो कि आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। इसलिए अपना पूरा फोकस वीडियो में रखिए, आगे जो हम आपको बताने वाले वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होने वाला है भाई। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, सुबह उठने के बाद पहले हमें पेशाब करना चाहिए क्योंकि रात में सोते वक्त आपका खून फिल्टर होता है और हमारे शरीर में मौजूद खराब तत्वों को अलग अलग कर देता है, और सुबह जब हम पेशाब करते हैं तो वही खराब तत्व पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले हमें पेशाब करनी चाहिए ताकि हमारे बॉडी के जितने भी खराब तत्व हैं वो बाहर निकल जाएं। दोस्तों अक्सर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बड़ी खतरनाक साबित होती हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं ऐसी दो गलतियां जो हम अनजाने में रोज करते हैं। सबसे पहली गलती तो ये होती है कि लोग पेशाब को रोक कर रखते हैं जिससे आपकी बॉडी पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर के काम करने के तरीके को समझना होगा, क्योंकि जब आप कोई भी लिक्विड मटेरियल पीते हैं तो आपकी किडनी उसे फिल्टर करती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डायरेक्ट आपके ब्लैडर में चला जाता है। अगर नॉर्मली कहें तो आपका ब्लैडर बड़े आराम से 300 से 400 ml यूरिन यानी कि पेशाब को होल्ड कर सकता है, लेकिन अगर आपकी आदत बन गई है कि आप अपनी पेशाब को ज्यादा लंबे समय तक रोक कर रख सकते हैं तो आप अपने ब्लैडर के साइज को स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि आप नॉर्मल से ज्यादा पेशाब अपने ब्लैडर में रोक सकते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सेस का ब्लैडर बाकियों के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि अपने काम के चलते उन्हें ज्यादा समय नहीं मिलता कि वो टॉयलेट जा सकें, इसलिए वो रोक कर रखती हैं। हालांकि कई सारे ऑफिस वर्कर्स के साथ भी ऐसा होता है जिनकी ब्लैडर कैपेसिटी बाकियों के मुकाबले लगभग डबल हो जाती है, जो कि एक तरह से ठीक भी है, लेकिन इसका जनाब ये मतलब नहीं है कि आपको लंबे समय तक अपनी पेशाब को रोक कर रखना चाहिए, क्योंकि आपका ब्लैडर इस कंडीशन में स्ट्रेच नहीं होता बल्कि आपकी एक्सटर्नल स्पेंशियल मसल्स भी स्ट्रेच होती हैं। आपको बता दें कि ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल है जो कि आपके ब्लैडर के आउटसाइड होती है और इसी के रास्ते ब्लैडर में मौजूद पेशाब आपके शरीर से बाहर निकलती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मसल्स गेटकीपर की तरह जो आपके पेशाब को बाहर आने से रोकते हैं, और जब तक आप इन मसल्स का दरवाजा नहीं खोलते ये पेशाब को बाहर नहीं आने देते। लेकिन अगर आपने इन चीजों के साथ खिलवाड़ किया तो अंजाम बड़ा भयानक हो सकता है, क्योंकि अगर आपको ऐसा करने की आदत हो गई और आप हर बार अपने पेशाब को रोक कर रखते हैं तो इतनी भयानक प्रॉब्लम होगी जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। असल में अगर आप ये चीज लगातार करते हैं तो आपके ब्लैडर से पेशाब अपने आप ही बाहर आने लगेगी, यानी कि जब आपका ब्लैडर फुल हो जाएगा तो वो बहुत जल्दी लीक करने लगेगा, और बात केवल लीकेज पर ही खत्म नहीं होती। अगर आपके ब्लैडर को बार बार लंबे समय तक होल्ड किया जाएगा और जब आप पेशाब करेंगे तो ब्लैडर से पूरी पेशाब नहीं निकलेगी जो हमेशा आपके ब्लैडर में भरी रहेगी, जिस वजह से आपको बार बार पेशाब लगेगी। और यही कारण है जिन लोगों को ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है उन्हें बार बार पेशाब लगती है। अब इस तरह की सिचुएशन बहुत ही अजीब होती है जो हमें नहीं लगता ही कोई भी झेलना चाहेगा, इसलिए इस तरह का कोई भी खिलवाड़ आप अपने शरीर के साथ ना करें। और हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आपकी जो पेशाब होती ना वो कुछ और नहीं बल्कि एक गंदा पानी होता है जो उबले हुए पानी की तरह गर्म होता है। अब इस तरह की कंडीशन में बैक्टीरिया वगैरह बहुत जल्दी जन्म लेते हैं, जो एक बार अगर जन्म ले लेंगे तो फिर आपकी पूरी बॉडी को डैमेज किए बिना चैन नहीं लेंगे। अक्सर देखा भी गया है कि इस तरह की कंडीशन वाले लोगों की किडनी फेल हो जाती है और कई बार तो हर समय उनके पेट में दर्द बना रहता है। साथ ही साथ कई बार इस तरह की सिचुएशन भी आ जाती है कि किडनी फेल होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। आप खुद सोच के देखिए, मतलब केवल पेशाब रोकने की आदत आपको इतना बुरा फंसा सकती है। इसलिए कभी भी इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें वरना नुकसान इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का होगा। दोस्तों हम दूसरी और सबसे अहम गलती ये करते हैं कि हम पानी कम पीते हैं। अगर हम आपसे ये बोलें कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए तब आपके दिमाग में यही ख्याल आएगा कि ये बात तो हमें भी पता है। लेकिन दोस्तों अगर हम आपको ये कारण बताएं क्यों हमें आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए
तब शायद आप हमारी बात समझें। हमें ज्यादा से ज्यादा पानी इसलिए पीना चाहिए क्योंकि जब पानी हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमें ज्यादा पेशाब लगती है और हमारे पेशाब के जरिए हमारी बॉडी में जमा खराब तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी ग्लो करने लगती है और आप हेल्दी लगते हैं। इसलिए अगर आपको ग्लोइंग और हेल्दी लाइफ जीनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होगा। दोस्तों, आप जितने भी सेलिब्रिटीज से उनकी ग्लोइंग स्किन का राज पूछेंगे, वो सबसे पहले यही बोलेंगे वो ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं। अब हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज तो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे ना। इसलिए जितना हो सके उतना पानी पीने की कोशिश कीजिए। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था कि हम आपको लास्ट में कैसी बोनस टिप देंगे जिससे आप एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, हमारी आज की बोनस टिप ये है कि आप सुबह टॉयलेट जाने से पहले ढेर सारा पानी पीजिए, जिससे आपकी पेशाब तो जल्दी ठीक होगी, उसके साथ साथ आप ठीक तरह से टॉयलेट भी कर पाएंगे, यानी कि आपकी बॉडी से निकलने वाले सारे खराब तत्व आसानी से बाहर आ जाएंगे और आप पूरा दिन फ्रेश और एक्टिव रहेंगे। और हाँ, ये कोई नई ट्रिक नहीं है, ये बात सदियों से साइंटिस्ट भी कहते आ रहे हैं। इसलिए आप जितना हो सके उतना पानी पीजिए जिससे आप एक हेल्दी लाइफ जी सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट बॉक्स में आके बताना मत भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।